दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अज्ञात कारणों से लग गया गरीब के खाने के समारोह के साथ साथ घर भी जलकर हो रहा। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मामला जनपद बैरेज के थाना मटेरा अंतर्गत ग्राम सभा परसपुर दीवानपुरा में लग गया। आपको बताते चले कि करीब 11 बजे अचानक आग लगते आग ने अपना विकराल रूप अपनाकर गरीब के घर में रखा खाने का समारोह के साथ साथ घर भी जलकर हो रहा। आग इतनी बड़ी थी कि घर में बंधे बकरी के बच्चे जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। काबू पाने के बाद फौरन हल्का लेखपाल राजकुमार व 100 नंबर के पुलिस आगमन हुआ, जिसमें गरीब के नुकसान की पुष्टि कर मुहैया करवाने की आश्वासन दिया। धर्मेंद्र की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? दीवानपुरवा। यहाँ कैसे लगी? अब हम भैया ना रहन ना जाने थे। हाँ। मतलब कुछ नुकसान हुआ? नुकसान का 3 क्विंटल गेहूँ रहा है, 2 बोरिया अरे जौ रहा है। हाँ। 3 बोरिया ले 4 बोरिया धान रहा है, सब डल्लफ में भर दिए रहा है। सब डल्लफ में था। हाँ। तो और कुछ जैसे जानवर भी थे? कुछ जानवर छगड़ी रहा है। हाँ। और बच्चा झर से गा है तो चुपका घर में दुकान है। झर से गा है? हाँ, बच्चों खसी झर से गा है। हाँ, मतलब ज्यादा काफी। हाँ हाँ, मतलब भरे झर से गवा थोड़े थोड़े। तो ये आग पर कैसे काबू पाया गया? मतलब आग पर कसके बुझाए? सब आदमी गाँव भर बुझाई नहीं है, गाँव भर मिल के। हाँ, सब हम तो यहाँ मौके पे। यहाँ पे कोई आए? पुलिस प्रशासन कोई आई? पुलिस आए? हाँ आए आए हैं। हाँ। तो कुछ मतलब बताए कि आश्वासन शासन दिया आपको? हाँ, सब उनसे बताए भी हैं। चलिए ठीक। नरेलाल। का नाम है? नरेलाल। नरेलाल, यहाँ कैसे लगे? पता नहीं चला। हाँ। तो इसमें कुछ सामान वामान रखा हुआ था? हाँ, 3 क्विंटल गेहूँ रहा। हाँ। 3 क्विंटल धान रहा। हाँ। 2 बोरिया रहा। हाँ, और कुछ डल्लफ पल्लफ? डल्लफ रहा। हाँ। जानवर? बकरी रहा। बकरी भी रहा। हाँ, तो वो भी जल गई? वो जल गई। हाँ, और क्या रहा? हाँ, चरपाई रहना भी सुना रहा। हाँ, वो भी सब जल गए। चलिए ठीक है। खाना अधूरा तो पोषण भी अधूरा ना, इसीलिए जूनियर हॉलिक्स जो रोज के खाने के साथ पोषण पूरा करने में मदद करे, ताकि तोजो को मिले A to Z पोषण।